हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष कक्षा 8 विषय अंग्रेजी की शिक्षण योजना लेकर आया हूं। टॉपिक है लेसन नंबर 2 तक काबुलीवाला। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इस तरह के कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, समय। कक्षा 8 विषय अंग्रेजी, समय 40 मिनट। पहला हेडिंग है लर्निंग आउटकम। स्टूडेंट विल गेट द नॉलेज अबाउट द लेसन द काबुलीवाला। प्रकरण लेसन 2 द काबुलीवाला। सीखने सिखाने की सामग्री टेक्स्ट बुक, दीक्षा ऐप, ब्लैक बोर्ड, ETC। नंबर 4 पर सीखने सिखाने की प्रक्रियाएँ। इसमें 4 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा चरण, तीसरा समय और नंबर 4 पर आकलन के तरीके। शिक्षण की शुरुआत में समय 5 मिनट होगा और आकलन का तरीका कन्वर्सेशन, यानी कि बच्चों से सवाल जवाब करेंगे, इस तरह से उन्हें टॉपिक तक लेकर आएंगे। टीचर, चिल्ड्रन टुडे वी शैल रीड ए वेरी गुड स्टोरी, बट बिफोर दैट टेल मी हैव यू हेयर्ड ऑफ काबुलीवाला। चिल्ड्रन विल रिप्लाई 1 by 1। तो जब बच्चे जवाब देंगे हाँ या ना में, तो उन्हें बताएंगे कि बच्चों आज हम काबुलीवाला के विषय में पढ़ेंगे। टुडे वी विल नो अबाउट ए मैन रहमान काबुलीवाला। अब अगला हेडिंग आता है इसमें शिक्षण के दौरान। इसका समय 25 मिनट होगा और आकलन का तरीका ऑब्जर्वेशन। इसमें इसको जो चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको हमने 3 दिन में डिवाइड किया है। आज पहला दिन है, Day 1। टीचर रीड इन इंग्लिश एंड साइमल्टेनियसली एंड एक्सप्लेन डिफिकल्ट वर्ड इन हिंदी, यानी कि हम बच्चों को इंग्लिश में पढ़कर सुनाएंगे और साथ साथ उसको ट्रांसलेट भी करेंगे हिंदी में। टीचर रीड इन इंग्लिश एंड साइमल्टेनियसली ट्रांसलेट इट इन हिंदी एंड एक्सप्लेन डिफिकल्ट वर्ड इन हिंदी। लिटिल मिनी वाज 5 ईयर्स, यहाँ से पढ़कर सुनाएंगे बच्चों को, और ये जो आपका पैराग्राफ है यहाँ तक का हम Day 1 में क्लियर करेंगे। तो इस तरह से फिर Day 2 में द काबुलीवाला से लेकर मे आई सी द लिटिल वन सर यहाँ तक पढ़ेंगे, दूसरे दिन की हमारी हो जाएगी प्लान। और इसी में मैंने नंबर 3 का कर दिया है Day 3। नंबर 3, ही स्टिल थॉट से लेकर हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन तक। तो मतलब एक ही शिक्षण योजना में मैंने इसको पूरा किया है, लेकिन इस चैप्टर को हम 3 दिन में कवर करेंगे। बच्चों को जो पढ़ाएंगे, पहले बच्चों को इंग्लिश में पढ़कर सुनाएंगे, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, इस तरह से लिख दिया है, और इसको 3 दिन में हमें क्लियर करना है। शिक्षण के बाद में इसका समय 10 मिनट होता है और आकलन का तरीका होगा सहभागिता, यानी कि पार्टिसिपेशन। पहले 5 मिनट बच्चों को काम देंगे। डिफिकल्ट वर्ड रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड विल बी प्रोनाउंस्ड बाई द चिल्ड्रन, यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड को हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे और बच्चों से उनको बोलने के लिए कहा जाएगा। टाइम 5 मिनट होमवर्क, अगले 5 मिनट बच्चों को होमवर्क देंगे। द स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ 4 डिफिकल्ट वर्ड्स फाउंड इन द लेसन। बच्चों को कहेंगे कि जो इसमें 4 मीनिंग आपको याद करके लाने हैं। और सबसे लास्ट में आती है शिक्षक की आगामी योजना, यहाँ पर आप अपनी अगली कार्य योजना का वर्णन करेंगे। तो साथियों, ये मेरा एक प्रयास है, मैंने छोटी सी शिक्षण योजना बनाई है, ताकि जब विद्यालय में कोई अधिकारी हमारे आए और वो शिक्षण योजना के विषय पूछे तो उसको दिखा सकें। हो सकता है आपको ये पसंद ना आए, अगर इसमें कुछ कमी हो तो आप अवश्य बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।